जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करुछी तुमको मोर ए चैनल को एबे पढ़ीबा प्राबंधिक चित्तरंजन दासंक लिखित प्रबंध समानता स्वाधीनता भ्रातृत्वर परवर्ती भाग। तो पुनः प्राबंधिक कहुछन्ते जे राजनीति केवल राजनीति होई केउ काले मध्य नथिला, राजतंत्र थिला, कारण राजार स्वार्थ अनुसार ही शासन चलुथिला। न्यस्त स्वार्थ गुड़िक बाट ओगाळी बसिथिले एवं ताहारी विरोधरे बहुजन पक्षर उदय वासना मान जमाट बांधी समानता नामक द्वितीय सत्यटी निमन्ते थान तयारी करी आनिथिले। पिलाए राजनीति अर्थात जहाँकि समग्र प्रजागण को हितार्थे गोटाए निर्दिष्ट पद्धति से परिचालना करिबा निमन्ते ही विधेय वास्तव में किंतु राजतंत्र थिले ही ताहा किंतु प्रजागण को हितार्थे बदल राजागण को निजस्व स्वार्थ उपर ही केन्द्रीभूत थिला। जन जन निर्दिष्ट व्यक्ति ही जेतेबेले जबरदखल करी बा निजर बाहुबल प्रयोग करी संसार समस्त भोग विलास को अक्तियार करिनेले सेतेबेले अन्य मानक मन मध्य धीरे धीरे असह्य हेबाकु लागिला आउ लागिबा मध्य स्वाभाविक कथा। तेणु अन्य माने जेतेबेले निज निजर इच्छा को पूरा न करि पारले एवं अन्य पक्षरे संसार विभिन्न भोग विलास इत्यादि को उपभोग करिया पई दृढ़ता मध्य प्रकाश कले ठीक सेतिकी बेले ही एई समानता नामक द्वितीय सत्यटीर क्षेत्र प्रस्तुति पाई रास्ता परिष्कार होइथिला बोली प्राबंधिक एठी परिष्कार भावरे जणाइछंती। तो प्राबंधिक कहुछंती जे आग भाग्यवादी जर्जरता गुड़िकरु मुकुली आसिबार सामूहिक इच्छा माने हिम्मत पाइबारु ही समानता लागि बल एवं साहस गुड़िक संगठित होई आसी पारिले। पिलाए प्राबंधिक निजर मत सब्यस्त करी एक कथा कहुछंती जे प्राथमिक अवस्था रे अर्थात जेतेबेले राजतंत्र हेउ किंबा व्यक्तितंत्र शासन व्यवस्थार प्रचलन थिला सेतेबेले साधारण लोकमानक मन भितरे एक अवास्तव कपोल कल्पित तथा कठोर भाग्यवादी चेतना को भर्ती करि दिया जाइथिला। कौन से चेतना ताहले ना ईश्वरंक कृत विधि ही एया जे राजा माने शासन करिवे एवं प्रजागण तांको मानिबा को बाध्य यहाँ ही ईश्वरंक इच्छा बा पूर्वरु आमे जहाँ आलोचना करिथिले जे राजा माने हेउछंती ईश्वरंकर प्रतिनिधि बोली तेणु राजांक आदेश को प्रजागण मानिबा को बाध्य। त लेखक कहुछंती जे लोक माने एभळी एक अवास्तव अंधविश्वास भितरु जेतेबेले सचेतन होई निजकु सेथिरु मुकुळेबा को प्रचेष्टा करिवा आरंभ कले बा लेखकंक भाषा रे हिम्मत अर्थात मनरे दृढ़ विश्वास एवं साहस बांधिले ताहा केमिति प्रकृतरे ताहाले संभव हेला ना केवल एई समानता को केन्द्र करी ही संभव हेला। कारण समस्त व्यक्तिगण राजा बा शासन मानक परि समान अधिकार एवं हक को पाइबा को आशा रखिले। तो पुनः प्राबंधिक कहुछंती जे मनीष मनीष भितरे बहु सादृश्य रहिछि सिना मात्र पार्थक्य तथापि रहिछि एवं सही पार्थक्य गुड़ी को यथोचित स्वीकृति दे मनुष्य मानक समूह नामक संस्थानटी को गढ़ी आणवा ताहा ही सुस्थता ताहा ही सर्वोत्तम अर्थात ये समाज रे मनीष मनीष भितरे अनेकांश रे सादृश्य बा जहाँ को आम साम्य बा समान परीक्षा बोली कही परिबा। तो अनेकांश रे समानता देखिया को मिलले भी अनेक पार्थक्य मध्य परिलक्षित होउछि बोली प्राबंधिक कहुछन्ति। सरल भाव में कहले धरा जाऊ मोर योग्यता जहाँ आउ जनक योग्यता मध्य ठीक से किंतु गोटाए निर्दिष्ट पदवी रे आउ जनक चाकरी मिलुथिबा स्थले मते किंतु सेथिर वंचित करा जाउछि। पिलाए ये हेउछि गोटिए मात्र सामान्य उदाहरण मात्र समाज रे एई भली अगणति समस्या मान देखा जाइथाय। तो प्राबंधिक एतादृश अनितिमूलक पार्थक्य गुड़िक प्रति अंगुली निर्देश करी एही कथा कहुछंती जे सेभळी पार्थक्य गुड़िकर मूलोत्पाटन करी अर्थात व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वस्व नीति परिहार करी जदि सामूहिक उन्नति कथा चिंता करा जाए
तेबे ताहा ही हेबो उपयुक्त। एहा द्वारा गुणर आदर हेबो, प्रतिभार आदर हेबो, गुण विकास तथा प्रतिभार परिप्रकाश पथरे कौनसी बाधा मनुष्य मानकु तुच्छा अन्य समस्तक भली नकोलटाए होई रहिबा लागि आदम बाध्य करिवो नाही। किंतु स्वकीय विशेष उत्तमता गुड़ी साकार हो आसवा निम्ते अपरिहार्य सर्वमूल भित्तिभूमि रूपे प्रत्येक मनुष्य निम्ते अंततः सर्वनिम्न सुजोग माने अवश्य थिबे। अर्थात लेखक एक कहते जदि समस्त को समान हक एवं समान अधिकार भोग कर सुजोग मिले तेबे जहार पाखरे जहाँ भी प्रतिभा थिबो तार उपयुक्त सम्मान तथा आदर मध्य मिल पारिबो। एवं एहाद्वारा कौनसी भी प्रतिभा संपन्न बा गुणवान व्यक्ति केबे भी अन्यर दयार पात्र होई बंचिबे नाही। खाली सेतिकि नुहे, बरं समस्त व्यक्ति निज निज पाखरे थिबा स्वतंत्र प्रतिभा गुडीकर विकास कराइबा लागि निहाती भावरे किछि ना किछि हेउ पछके किंतु उपयुक्त क्षेत्र बा सुविधा सुजोग मान मध्य पाई पारिबे। अल्पंकु अधिक समर्थ कराइबा सकाशे बाकी मनीष मानक बहु दुर्बुद्धि फिसाद करी वंचित करी कदापि रखा जीवो नाही। एवं सेइथिपाई समानता नामक एही द्वितीय आस्पृहाटीर आविर्भाव होईछि। प्राबंधिक स्पष्ट भावरे एठी कहउछन्ति जे स्वल्प संख्यक बा अल्प संख्यक किछि व्यक्ति विशेषक सुख सुविधा पाई सेमानक व्यतीत बाकी बा अवशिष्ट मनीष मानक ठकी भंडी समस्त सुख सुविधा वंचित कर रखा होन्या एवं जहाँकि समानतार जथेष दूर है। अन्य भाव में कहले समानता नीति ही एभली अन्याय को समूल ध्वंस कर दे पारे एवं ठीक से वास्तव में समानता नीति को आपण आस्पृहा बा आग्रह टी लोक मन में जगि उठी प्राबंधिक भाषा आविर्भाव हो। असमान मानकर प्रतिद्वंदिता ताहा प्रकृतरे सब मनीषंकर घर बोली परिचित एही पृथ्वीर गोटे अत्यंत निंदनीय व्याधि जहाँ कि प्राय अल्प मनीष प्राय जाणीशु सबकिछ को आपे भोग करिवे बोली प्रश्रय दे आसी। अर्थात प्राबंधिक एठारे सूचाई देछंती जे पृथ्वी पृष्ठ में बंचिबार अधिकार समस्तंकर अछि सेठी जे किंतु असाम्य बा असमानता को केतेकांशरे समर्थन करा जाउछि बा सेइथिपाई ही प्रतिद्वंदिता मध्य चालीछि। एहा वास्तव में एक निंदनीय व्याधि बा रोग सहित समान। तेबे संसार रो समग्र सुख सुविधा को निजे ही भोग करिवे बोली भाभी किछि स्वल्प संख्यक व्यक्तिगण जे एही असमानता को समर्थन करिथांती बा प्रशय मध्य देइथांती बोली एक प्राबंधिक स्पष्ट भावरे प्रमाणित करिछंती। तो एही अन्यायटी को यथासंभव अधिक चिरंजीवी कराई रखिबे बोली धर्म को मध्य प्रश्रय दिया जाइछि। पृथ्वी नामक आमर एही मनुष्य महाखंड को अत्यंत निर्मम भावरे विवेकहीन करी रखा जाइछि। नीति क्षेत्र रो मानव संघति गुड़ी को मस्त मस्त फांकी दिया जाइछि। अर्थात सही असमानता रूपक अन्यायटी चिरदिन लागि तिष्ठि रहिबा पई केतेक स्थल धर्म को मध्य द्वाही दिया जाए लोकों मन में गुड़ाए अंधविश्वास सृष्टि कर दि जाए। प्राबंधिक कहते जे एत बड़ पृथ्वी पृष्ठ जो ईश्वर सृष्ट समस्त मनीष सामान भोगविलास को प्राप्त कर बंची रहा अधिकार रही पृथ्वी में उक्त स्वल्पसंख्यक व्यक्तिगण ही ताको बेक शून्य कर रखार प्रचेष्ट बास्तव में व्रती अच्छा एवं गोटाए नीतिनिष्ठतार सरहद भितर बंची मनीष मानक से ही निर्दिष्ट स्वल्प संख्यक व्यक्ति जाक ही वास्तव में मस्त मस्त भाव फांकी दे पाए मस्त्र अर्थ हेउची मोहांध। तेणु मोहांध अर्थात किसी स्वल्प संख्यक व्यक्तिगण जो मैंने कि निजर बलिष्ठ बुद्धि एवं चतुरतार प्रयोग में ये जगत पक्ष प्रभुत्व विस्तार कर रही आ से माने साधारण मनीष मानक अंध भाव वास्तव में मोहग्रस्त कर फांकी चली। तो प्राबंधिक पुनः कहते जे खाली राजनीति बोली किछि नाही एवं खाली अर्थनीति पछरे मध्य सही परी किछि हेले नाही।
राजनीति पछरे अर्थनीति ओ अर्थनीति पछरे राजनीति जोड़ा हुई रही छंती। अर्थात स्वतंत्र भाव ना तो राजनीति बोली किछि अछि ना तो अर्थनीति बोली किछि अछि। कहिबार अर्थ हेउछि एया जे राजनीति एवं अर्थनीति ये उभय हेउछि उभयक सहित परिपूरक अर्थात अंगांगी भावे जड़ित जहाँ को आम संश्लिष्ट कहीपर। तो पिलाए अति सरल भाव कहिले अर्थ बिना राजनीति संभव नुहे एवं राजनीति बिना अर्थनीति माने किछि न थाए बोली आम बुझिपर। तो पुनश्च बहुविध असमानता तथा तो उपेक्षा को सामूहिक जीवन कारबार मानक मुख्य मीमांसक रूपे जोड़ी रखी स्वार्थी पक्षटी सर्वदा क्षमता गुड़ी दखल कर रही यही उभय को ही मुख्यतः आपणार विशेष स्वार्थ गुड़िकर साधन व्यवहार कर पिलाए। लेखकंकर ये उक्ति को बुझीबार टिके जटिल कष्ट लगुले भी ये उक्ति भितर लेखक किंतु गोटाए बढ़िया सुंदर कथा को ही कही। तो कौन ताहले से कथा ना समाज जो स्वल्प संख्यक सुविधावादी गोष्ठीगण जगतर समग्र सुख सुविधा को निजे ही केवल उपभोग कर हीन प्रचेषा व्रति अच्छा से मैने किंतु यही असमानता एवं उपेक्षा को ही निज निजर स्वार्थ को हासल करने गोटाए अस्त्र भाव ही ग्रहण कर। तो पिलाए गोटे छोट उदाहरण दे तुम्हें अवश्य कथा को सहजरे बुझिपार। कथा कौन कि धर जाओ किसी नेता बड़ बड़ भाषणबाजी देवे जे आपण माने आपण मानक न्याय अधिकार और हक पाइबार वंचित होती आम दल बा मते समर्थन कले आपण मानक आपण अमुक अमुक अधिकार को आम प्राप्त कराइबु इत्यादि इत्यादि। किंतु वास्तव में से सबू नेता मानकर यह बाहापिया कथार पछरे से ही एक बृहत स्वार्थ बा क्षमता दाखल कर दुनिया समग्र सुख सुविधा को भोग कर लालसा बा स्वार्थ ही लुचि रही एक साधारण मनीष मैने कौन सहजरे बुझी पारती ना। तेणु पिलाए संक्षेपर एवं सरल भाव कहले प्रबंधिक एक कहते जे समाज में समानता फेर आणवार द्वाही यही असमानता एवं उपेक्षा को ही अस्त्र कर गोटाए आल कर स्वल्प संख्यक व्यक्तिगण दुनिया समग्र सुख सुविधा को भोग कर पुनः लग जाती। तेणु पृथ्वी में शासन स्तर गढ़ण गुड़िक राजतंत्र एक गणतंत्र चेहरा को बदली जाऊे तथापि पुणा स्वार्थ मान पूर्वपरि जारी हो रुंट। अर्थात लेखक यही कथा ही कहवा चाहते जे केवल से ही कारण ही शासन व्यवस्था परिवर्तन हो राजतंत्र अथवा एक छत्रवाद शासन व्यवस्था आज गणतंत्र रूप से रूपातरित हो सारी सत्वे भी सामाजिक रूपचित्र किंतु यथा पूर्वम तथा पर पूर्वर जमती किसी स्वल्प संख्यक आपण स्वार्थी व्यक्तिगण जगतर समग्र सुख सुविधा को निजे ही केवल भोग कर प्रचेषा व्रति थे आज गणतंत्र प्रतिष्ठा पर भी भिन्न रूप से ही ठीक एकापर ही घटू। एक सामंतवाद ही सर्वजन नाना भावे आलोकन मध्य को प्रवेश कर संभावना को रोकी कर ढड़ा हो। अर्थात कौन सी जड़े व्यक्ति बा अल्प गोष्ठीर किसी व्यक्तिगण अधिनायकत्व बा मालिकाना व्यवस्था ही वास्तव में सामूहिक भावे सर्वजन गोटाए नूतन अवलोकन व उन्नति आड़ को अग्रसर होबार रास्तार प्रतबंधक प्राय ढड़ा हो। कौशलटी वर्तमान कम पराक्रम सहित आपण को नियामक कर रखी। पिलाए प्रबंधिक एटी गोटाए प्रश्न छल पाठक मान एक कहवाक चाहते जे से स्वल्प संख्यक व्यक्तिगण द्वारा समस्त क्षमता दखल तथा सुख सुविधा को अख्तियार कर जो धारा कथा से कही विस्तार आज कम नुहे। तबे पिलाने ए भागर पाठ को ये रखा परवर्ती भागरे आउ आग को पढ़ा गला बेले तुमको अनुरोध करुच्ची जे जदि एपर्यंत मोर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे ये चैनल को सब्सक्राइब करदे संगे संगे ए वीडियो को गोटे गोटे लाइक करदे। तेबे पिलामाने परवर्ती भाग पर्यंत तुम्हारे सुख एवं शांति कामना करी एठी रहुची। धन्यवाद पिलामाने।